जय श्री राम जी के दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता आप सभी का श्रीअयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम नगरी को आकर्षण का स्वरूप प्रदान करने के कार्य जमीन पर दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर अगर आप गुजरेंगे तो आपको राम नगरी में होने का एहसास होगा। हाईवे की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों, जहाँ राम के अत्याधुनिक पक्षों को अवगत कराया जाएगा, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर दिख जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको हमारे दाएं साइड में आप देख सकते हैं, कई पेड़ लगे हुए हैं या देसी विदेशी पौधे और पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। दोस्तों, चलिए हम वहाँ आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। दोस्तों, अभी हम अयोध्या हनुमानगढ़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर NH 27 पर आए हुए हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं, जैसा कि पेड़ पौधे कई देसी विदेशी पेड़ लगाए गए हैं और अभी हम आपको वहाँ ले चलते हैं और आपको वहाँ से दिखाते हैं। पहले हाईवे क्रॉस कर लें तो आपको हम वहाँ के वहाँ से आपको दिखाते हैं फिर। चलिए आइए, आपको दिखाते हैं आपको नज़दीक से। दोस्तों, ये देख सकते हैं कई तरह के यहाँ अनेक पेड़ लगाए गए हैं, तो इसके बारे में हम आपको अब आपको हम डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, देसी विदेशी पौधों से हाईवे को हरा भरा रखा जाएगा। खजूर और मेक्सिको में पाए जाने वाले विशेष किस्म के ताड़ के पेड़ व गमुंटिया पाम सहित कई देसी और विदेशी पौधों की श्रृंखला आपको यहां देखने को मिलेगी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, इनकी जड़ें चारों ओर फैलती नहीं हैं, इसलिए ये हाईवे पर लगाने के लिए सुरक्षित मानी जाती है। ये पेड़ और पौधे बनारस में एयरपोर्ट से लेकर शहर तक और जयपुर से दिल्ली हाईवे पर इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इनकी जड़ें फैलती नहीं हैं। लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर सादतगंज से लेकर नए घाट के बीच 12.5 किलोमीटर में डिवाइडर पर पौधों का रोपण किया जाएगा। 10-10 मीटर पर खजूर अथवा वाशिंगटोनिया के पाम लगाए जाएंगे। इसके बीच अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। लगभग 1250 पौधों का डिवाइडर पर रोपे जाना है। ये पौधे कोलकाता, सहारनपुर व पुणे से मंगाए जाएंगे। इस कार्य को लगभग 9 माह में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हाईवे पर पड़ने वाले अंडरपास का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। अंडरपास पर पड़ने वाले चौराहों को विकसित किया जाएगा। सादतगंज के पास राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व हनुमान सहित माँ सरयू और अयोध्या की स्थापना करने वाले राजा मनु की प्रतिमा फव्वारों के बीच लगाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय की अयोध्या की सभी डेवलपमेंट की वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सियाराम जी की। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.